हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैंपियंस ऑफ जीए यूट्यूब चैनल। आज 28 मई संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस पूरे वीडियो की PDF फाइल अगर आप चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी जाएगी, वहाँ पर जाकर के आप PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम 28 मई के करंट अफेयर्स का वीडियो। सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं फटाफट 27 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का, उसके बाद मैं आपको 28 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा। पहला क्वेश्चन था हमारा कल का, हरियाणा में स्वास्थ्य से जुड़े कौन कौन से कार्यक्रम अभी हाल ही में शुरू किए गए हैं। तो मैंने आपको कल बताया था तीन कार्यक्रम जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किए गए थे। उसमें एक तो H1N1 और N1 टीकाकरण अभियान था, एक हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम था और एक नेत्रदान कार्यक्रम। ये तीन कार्यक्रम हरियाणा सरकार के द्वारा भी हाल ही में शुरू किए गए हैं। सेकेंड क्वेश्चन था हमारा, चांद की कृत्रिम मिट्टी बनाने का पेटेंट किस भारतीय संगठन ने अभी हाल ही में हासिल कर लिया है। तो ये हमारा जो अंतरिक्ष एक्ट का एक संगठन है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो ने अभी हाल ही में चांद के ऊपर जो आर्टिफिशियल मिट्टी होती है उसका बनाने का पेटेंट अभी हाल ही में प्राप्त कर लिया है। थर्ड क्वेश्चन था, COVID-19 के इलाज में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, जिसको हम SCQ टैबलेट बोलते हैं, के ट्रायल पर किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने हाल ही में रोक लगा दी है। तो ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने COVID-19 के ट्रीटमेंट के लिए ये जो टैबलेट थी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, इसका उपयोग किया जा रहा था और ऐसा माना जा रहा था कि COVID-19 की जो बीमारी है वह इस टैबलेट से काफ़ी हद तक रोकी जा सकती है। तो लेकिन WHO ने इस तथ्य को खारिज कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो है इसका कोई प्रभाव COVID-19 के पेशेंट पर नहीं पड़ रहा है। तो इस पर अभी WHO ने प्रतिबंध लगा दिया है। ये वही टैबलेट है फ्रेंड्स जिसकी अमेरिका ने मांग की थी भारत से, और काफ़ी प्रेशर भी बनाया था अमेरिका ने कि भारत जो है वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की टैबलेट अमेरिका को उपलब्ध कराए। भारत ने उसे उपलब्ध भी करवाई थी, तो ये वही टैबलेट है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा कल का, COVID-19 की वजह से एक महीने से जारी नेशनल इमरजेंसी की पूरी तरीके से किस देश ने जो है नेशनल इमरजेंसी को अभी हाल ही में ख़त्म कर दिया है। तो ये जापान देश है जिन्होंने नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में COVID-19 के कारण लगा रखी थी। तो उन्होंने एक महीने से जारी थी नेशनल इमरजेंसी, जिसको हम लॉकडाउन भी बोलते हैं, तो इसको अभी वहाँ पर ख़त्म कर दिया है। 5वां प्रश्न था, फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम FLO बोलते हैं का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो ये जानवी बी फुकन नियुक्त की गई है भी फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष। वर्ल्ड थायराइड डे कब मनाया जाता है, तो ये हम हर साल मनाते हैं 25 मई को। 7वां प्रश्न था, किस राज्य ने खेल को उद्योगों का दर्जा अभी हाल ही में प्रदान किया है। तो मिजोरम की जो राज्य सरकार है उन्होंने राज्य के अंदर खेल को जो है उद्योग का दर्जा प्रदान कर दिया है। कॉमेडियन और बॉलीवुड एक्टर मोहित बघेल का अभी हाल ही में 23 मई 2020 को निधन हो गया है। यह किस शहर के रहने वाले थे, तो ये मथुरा के रहने वाले थे और काफ़ी कम उम्र में, 26 वर्ष की उम्र में इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है, ये मथुरा के थे। यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड देने के लिए किसके नाम की अभी हाल ही में घोषणा की गई है। तो ये जो गिलर्मो कैनो अवार्ड है ये जिनेत बेडियो लिमा को दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा, COVID-19 इन्फेक्शन के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर पहुंच गया है। तो टॉप 10 में 10वें स्थान पर जो है COVID-19 के पेशेंट के मामले में भारत का स्थान आ गया है। काफ़ी चिंता का विषय है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा काफ़ी कोशिशें की जा रही है COVID-19 के संक्रमण को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर स्टैटिक GK का हमारा 11वां था, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय इनमें से कौन थे। तो मैंने बताया था आपको भानु अथैया इसका आंसर था करेक्ट, भानु अथैया ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय थे। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब से की गई थी, तो इसकी शुरुआत 1929 को की गई थी। ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है, जिन्होंने आंसर सही दिया उनको बहुत बहुत बधाई। आज भी मैं आपसे वीडियो के बीच बीच में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स करके बताइएगा। 12th नंबर का क्वेश्चन था हमारा स्टैटिक GK का, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन सी थी। तो कर्णम मल्लेश्वरी, यह वेट लिफ्टर है, भारत तोलन प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है। तो इन्होंने ओलंपिक में पदक जीतकर प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव हासिल किया है, कर्णम मल्लेश्वरी। तो ये थे हमारे 27 मई के करंट अफेयर्स और स्टडी के क्वेश्चन। अब कल की क्विज का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, किस देश ने मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धवाली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। तो ये जो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ये पुरस्कार दिया जाता है जापान की सरकार के द्वारा। ठीक है, तो जापान की सरकार ने मणिपुर के एक डॉक्टर जिनका नाम है थंगजाम धवाली सिंह, इनको ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जापान। तो जिन स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दिया है उनको बहुत बहुत बधाई। आज भी वीडियो के अंत में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका भी आंसर आप कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा।
तो ये 27 मई की क्विज थी, अब शुरू करते हैं हम 28 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, टेनिस खिलाड़ी जेमी हॉम्प्टन ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता से जो है संन्यास लेने की घोषणा की है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जेमी हॉम्प्टन जो है किस देश की खिलाड़ी है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी है जेमी हॉम्प्टन, जिन्होंने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय करियर से जो है अभी संन्यास ले लिया है। कुछ डिटेल इसमें हम देख लेते हैं, ये दुनिया के 24वीं रैंक के खिलाड़ी है और इनकी उम्र 30 वर्ष है, और जेमी ने 5 अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन खिताब भी अपने नाम किए हैं, और 5 साल से वह अपने चोट जो थी उनसे काफ़ी संघर्ष कर रही थी, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय करियर से जो संन्यास ले लिया है। इन्होंने अपना आखिरी मैच जुलाई 2013 में खेला था, और तब से वह लगातार जो है वो चोट से जूझ रही थी, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने करियर से संन्यास ले लिया है। जेमी हॉम्प्टन याद रखिएगा आप, और ये USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक टेनिस खिलाड़ी थी। और अभी टेनिस का नाम आया तो मैं आपको बता दूं, कल ही मैंने आपको वीडियो में क्वेश्चन पढ़ा था नाओमी ओसाका, जिन्होंने सरेना विलियम्स को पीछे छोड़कर दुनिया की सर्वाधिक कमाई करने वाली वो पहली महिला एथलीट बन गई है, नाओमी ओसाका, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, वो जापान की थी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, 27 मई को किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि होती है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि होती है 27 मई को, जिसको पूरे भारतवर्ष में मनाया गया है। और मैं बता दूं आपको, ये पूर्व प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। 27 मई 1964 को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया था, ये याद रखिएगा आप, 27 मई 1964 को। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद में, ठीक है। और 14 नवंबर को इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हम बाल दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त 1947 यानी कि पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1947 से लगा कर 1964 तक ये देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इनकी कुछ किताबें भी प्रमुख थी, जिसमें पिता का पत्र पुत्री के नाम, ये 1929 में आया था, विश्व इतिहास की झलक गैलेक्सी ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, दो खंडों में आई थी ये, तो ये 1933 में आई थी, मेरी कहानी एन ऑटोबायोग्राफी है, ये 1936 में आई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब है। इसके अलावा भारत की खोज हिंदुस्तान की कहानी, जिसको हम द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये 1945 में आई थी। इसके अलावा राजनीति से दूर, इतिहास के महापुरुष और राष्ट्रपिता, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। तो याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, एक बार पुनः इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, 27 मई को किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि होती है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस प्रतिवर्ष हम कब मनाते हैं, तो ये मनाया जाता है हर साल 25 मई को। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा, रेसलर और नेटफ्लिक्स स्टार हाना किमुरा का 23 मई 2020 को भी हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश की खिलाड़ी थी, तो ये रेसलर और नेटफ्लिक्स स्टार थी हाना किमुरा, ये किस देश की खिलाड़ी थी फ्रेंड्स, ये थी जापान की, सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। कुछ डिटेल इसमें देख लेते हैं हम, वह मात्र 22 वर्ष की थी, और 2016 में जापान प्रो रेसलिंग, जिसको हम JWP बोलते हैं, जूनियर प्लेट में अपना पहला खिताब इन्होंने जीता था, और 2019 में वर्ल्ड वंडर रिंग स्टारडम, जिसको VR स्टारडम भी बोलते थे, उसमें भी ये शामिल हुई थी, और नेटफ्लिक्स की एक रियलिटी शो टेरर हाउस टोक्यो में इन्होंने भी हाल ही में काम किया था। तो ये अपने घर में मृत अवस्था में पाई गई थी, और ऐसा माना जा रहा था कि इनकी मौत की जो वजह है वह ऑनलाइन बुलिंग थी। और नेटफ्लिक्स के इस रियलिटी शो में आने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों ने उन्हें काफ़ी ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जो है उनका देहांत इसमें हो गया है। तो याद रखिएगा, ये जापान की थी, इनका नाम था हाना किमुरा। क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारा, किस भारतवंशी वैज्ञानिक को अमेरिका में इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार अभी हाल ही में मिला है, तो ये राजीव जोशी को मिला है, ऑप्शन नंबर फोर वाला सही होगा, राजीव जोशी को अभी अमेरिका के द्वारा इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। कुछ डिटेल इसमें हम देख लेते हैं, ये भारतवंशी आविष्कारक राजीव जी को ये अवार्ड इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को आगे बढ़ाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को बेहतर बनाने के लिए दिया गया है, और उनके नाम के लगभग 250 से भी ज़्यादा पेटेंट दर्ज है। और जोशी न्यूयॉर्क में IBM थॉमसन वाटसन रिसर्च सेंटर में अभी कार्यरत है, और उन्हें वर्चुअल अवार्ड सेरेमनी के दौरान न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसोसिएशन ने इस प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार से जो है सम्मानित किया है। राजीव जोशी ने IIT मुंबई से पढ़ाई की है, उसके बाद ही अमेरिका चले गए थे,
और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको हम MIT के नाम से जानते हैं से उन्होंने MS की डिग्री और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में PhD भी की है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीन लर्निंग में कई प्रकार की खोज की है। तो इन्हें अमेरिका का ये इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है ये मिला है। इनका नाम है राजीव जोशी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, भारतीय सेना के कमांडरों को 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस जो है वो कब आयोजित की गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये 27 से 29 मई तक आयोजित की जाएगी 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस। तो ये भारतीय सेना के कमांडरों को इसमें जो है वो ट्रेनिंग्स वगैरह दी जाएगी। तो ये 27 से 29 मई तक आयोजित की जाएगी। मैं आपको बता दूं इसमें थोड़ी सी डिटेल, अभी आपको पता होगा कि भारत और चीन के बीच में काफ़ी वैचारिक मतभेद चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय सेना को मानसिक रूप से तैयार करना इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है। तो लद्दाख में भारत और चीन के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है, तो इसी कारण इसको दिल्ली में आयोजित किया गया है। और ये पहली कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद इसका जो दूसरा भाग होगा वो जून में आयोजित होगा। ठीक है, यानी कि ये कॉन्फ्रेंस जो होती है साल में 2 बार होती है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको हम LAC भी बोलते हैं, पर चीन के साथ बढ़ती तनातनी यानी कि वैचारिक मतभेद के मुद्दे पर इसमें जो है चर्चा हो सकती है। मैं अभी आपको बता दूं, वर्तमान में हमारे जो नौसेना अध्यक्ष है इनका भी नाम याद रखिएगा, इनका नाम है एडमिरल करमवीर सिंह। और एयर चीफ मार्शल है अभी हमारे राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और वर्तमान में थल सेना के प्रमुख है हमारे मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, याद रखिएगा। तो 27 से 29 मई के बीच में ये कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी 3 दिन तक। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए एक भारतीय इंडियन आर्मी की महिला को नियुक्त मतलब चुना है और इनको एक पुरस्कार प्रदान किया है। तो ये भारत की ऐसी पहली महिला है, इनका नाम क्या है ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनका नाम है मेजर सुमन गवनी। मेजर सुमन गवनी को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए नामित किया गया है और ये ऐसी पहली महिला है। ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, यही है मेजर सुमन गवनी। कुछ डिटेल इसमें हम देख लेते हैं, ये भारतीय सेना में ऑफिसर हैं और महिला शांति दूत सुमन गवनी पहली महिला भारतीय शांति रक्षक है जिन्हें यह अवार्ड मिला है। और यह यूनाइटेड नेशंस मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात थी और हाल ही में उन्होंने अपना मिशन जो पूरा कर लिया है। उनके साथ ब्राज़ील की भी एक कमांडर है कार्ला मोटेरी डे कास्त्रो, उनको भी यह अवार्ड मिला है। और ब्राज़ील के शांति दूत को यह सम्मान जो दूसरी बार मिला है। ठीक है, पहले भी एक को मिल चुका है। तो यूनाइटेड नेशंस के महासचिव जो है एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों को जो है ये पावरफुल रोल मॉडल्स के लिए जो है ये पुरस्कार प्रदान किया है। और मैं बता दूं आपको, एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो कि 29 मई को मनाया जाता है, ये मनाया जाएगा अभी 2 दिन बाद, उस दिन ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित होगा और उसी दिन जो है इन दोनों को ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आप ये भी याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र के जो सैनिक होते हैं उनको हम ब्लू हेलमेट के नाम से भी जानते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पुरस्कार है, भारत के लिए गर्व की बात है। मेजर सुमन गवनी इनको अभी हाल ही में जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा नवाजा जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 है हमारा, लद्दाख में पैगोंग लैंग के बाद अब किस घाटी में इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच जो है वो मतभेद शुरू हो गया है। तो ये गुलवान वैली है, गलवान वैली, यहाँ पर इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच में जो है अभी तनाव शुरू हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में भारत की जितनी भी सेना है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, वो बिल्कुल मानसिक रूप से तैयार है क्योंकि कभी भी कुछ हो सकता है। तो इसीलिए 27 से 29 मई के बीच में जो दिल्ली में तीनों सेनाओं की एक कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जाएगी, ये मैंने आपको भी बताया है। इसके बाद मैं आपको इसमें एक और क्वेश्चन बता दूं कि इंडियन और चाइनीज़ आर्मी के बीच में अभी कुछ दिनों पहले 2 बार और जो है मुठभेड़ हो चुकी थी। तो एक ये पेंगोंग सो लेक है, यहाँ पर भी फिंगर एरिया में इंडिया और चाइना के सैनिकों के बीच में तनाव हो गया था, पेंगोंग सो लेक। तो ये तीसरी घटना है, गलवान वैली ये तीसरी घटना है, तीसरी बार यहाँ पर भारतीय सेना और चाइनीज़ सेना के बीच में विवाद हो गया है। एक तो गलवान वैली में और एक मैंने बताया आपको पेंगोंग सो लेक में, यहाँ पर भी भारत और चीन के जो जवान हैं उनमें मुठभेड़ हो चुकी थी। और इसके अलावा लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश में जो एक सीमा क्षेत्र है वहाँ पर भी तनाव अभी बढ़ गया था। तो ये 2-3 जगह है जहाँ पर अभी काफ़ी मुठभेड़ की स्थिति भारत और चाइना के आर्मी के बीच में बनी हुई है। ठीक है, तो जो भारत और चाइना के बीच के जो राज्य है, एक तो ये लद्दाख हुआ, उत्तराखंड हुआ और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, यहाँ पर अभी सेना की सक्रियता काफ़ी बढ़ा दी है। तो याद रखिएगा आप, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इंडियन और चाइनीज़ आर्मी के बीच में अभी गलवान वैली में जो है वो ततनाव बढ़ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, किस सोशल मीडिया कंपनी ने कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप का भी हाल ही में शुभारंभ किया है।
तो ये फेसबुक के द्वारा किया गया है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आप एक साथ 6 से 7 व्यक्तियों को जो है वो कॉलिंग कर सकते हैं, और इस नए फीचर का नाम है कैचअप, ठीक है। फेसबुक का जो हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में, और मार्क जुकरबर्ग जो है वो उसके CEO है। तो याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा, भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने चंबा में चारधाम परियोजना के तहत एक सुरंग का हाल ही में उद्घाटन किया है? तो ये जो हमारे सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के मंत्री रहे श्री नितिन जयराम गडकरी, ऑप्शन नंबर 2 वाला यहाँ पर सही होगा। इन्होंने अभी हाल ही में चंबा में चारधाम परियोजना के तहत एक सुरंग का उद्घाटन किया है, नितिन जयराम गडकरी। कुछ डिटेल में इसमें आपको बता दूँ, ये सुरंग 480 मीटर लंबी होगी और चारधाम राजमार्ग जिसको हम नेशनल हाईवे 94 के नाम से जानते हैं, तो इसमें ऋषिकेश धरासू और गंगोत्री खंड पर यात्रियों द्वारा इसमें जो काफ़ी समय लगता था वो कम होगा। और चारधाम परियोजना के तहत 889 किलोमीटर लंबे राजमार्ग निर्माण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 12,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। और ये जो कार्य यानी कि जो सड़क निर्माण मैंने बताया था आपको, जितने भी सीमावर्ती राज्य उनमें सड़क निर्माण का काम BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है, उसके द्वारा किया जाएगा। और इस सुरंग को सीमा सड़क संगठन जिसको BRO बोलते हैं उसके द्वारा विकसित किया जाएगा। हमारे सड़क एवं परिवहन के जो मंत्री हैं उनका नाम तो है नितिन जयराम गडकरी, लेकिन सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अगर आपसे राज्य मंत्री पूछ ले तो राज्य मंत्री है VK सिंह। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन। अब हम स्टडी GK के 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आज का हमारा स्टडी GK का पहला प्रश्न है, समाचार पत्र एक आया था यंग इंडिया, किसके द्वारा शुरू किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर या फिर राजीव गांधी? तो फ्रेंड्स, ये जो समाचार पत्र था यंग इंडिया, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। और ये सबसे पहली बार कब आया था ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये 1929 को प्रकाशित हुआ था, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। तो समाचार पत्र यंग इंडिया के लेखक या संपादक थे महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्न में से किस वेद में बीमारियों के उपचार का वर्णन किया गया है? सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद या फिर ऋग्वेद? तो मैं बता दूं आपको, अर्थवेद के अंदर बीमारी का उपचार कैसे किया जाता है इसका वर्णन किया गया है अर्थवेद के अंदर। इसके अलावा सामवेद भी आप याद रखिएगा, इसमें संगीत का वर्णन है। और अगर आपसे पुराना वेद पूछ ले, सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो वो है ऋग्वेद। तो लेकिन बीमारियों का उपचार किस वेद में वर्णित किया गया है, तो ये अर्थवेद में किया गया है, 2nd वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ठीक है। चलिए अब बारी आती है आज की क्विज़ की। आज का क्वेश्चन है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, सर्वाधिक PPE जिसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का उत्पादन करने वाले देशों में भारत ने कौन सा स्थान हासिल कर लिया है, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। और आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही है, और इस वीडियो की PDF फाइल आप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा रखी है, वहाँ पर जाकर के आप PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा है। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर।